हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 483 में। नाउ चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि जो लिन फेंग होता है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, कहाँ पे, उस लड़की की तरफ, यानी कि उसी लड़की के पे जहाँ पे वो बढ़िया व्यू आ रहा होता है, जिससे वो मतलब मैंकिंग को वहाँ पे ले जाए और मैंकिंग जो है वो बढ़िया से व्यू देख सके, क्योंकि वो वैसे भी एक स्नो फेरी है। और देखने वाले लोगों को गलत फहमी हो रही होती है और एक बंदा कह रहा होता है कि जरा देखो वो लड़का भी वहाँ पे जा रहा है, लगता है कि वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जा रहा है, यानी कि जो हमारे स्नो पॉन्ड की फेरी है, बोल सकते हो प्रिंसेस है, उसको यहाँ पे इम्प्रेस करने के लिए जा रहा है जिससे वो उसके अटेंशन को ग्रैब कर सके। पर इस लड़के को क्या लगता है कि ये वाकई में हमारी प्रिंसेस के अटेंशन को ग्रैब कर लेगा? नहीं, बिल्कुल भी इस लायक है ही नहीं। जबकि जो लिनफेंग होता है वो वहाँ पे जाता है, लिनफेंग वहीं पे उसी जगह पे खड़ा होता है, जबकि जो वो मतलब स्टेटस रहती है स्काई पॉन्ड की वो कैरी होती है कि हे आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और अगर तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो तो चुपचाप से नीचे चले जाओ, इतनी मेरे को खुशी होगी। क्योंकि लिनफेंग जो होता है वो कह रहा होता है ये लड़की तो वाकई बहुत ज्यादा एरोगेंट है, ये लड़की को बहुत ज्यादा एरोगेंस चढ़ रहा है, इसको पता नहीं कि यहाँ पे सभी कल्टीवेटर है, इससे भी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, अगर सभी लोग मिल जाए तो वे भी कुछ नहीं है उनके सामने। जबकि जो हमारा लिनफेंग होता है जो कि उस बढ़िया से व्यू को देखने के लिए आया होता है, वो तो वहीं पे नीचे की तरफ बैठ जाता है क्योंकि उसे तो व्यू देखना था, ना कि वो लड़की के पास आया था। जबकि वो जो लड़की जिसका नाम टियानचिज़ू रहता है, वो लिनफेंग की तरफ देखती है और सोच रही होती है ये लड़का मेरे को लगाता है ये बाकियों की तरह है और मेरी तरफ आते ही लाल टपकाने लग जाएगा और मेरी तरफ आगे बड़े ही रिएक्शन देगा, और इस लड़के को देखो तो ये कितना ज्यादा शांत है, ऐसा लग रहा है जैसे इसने मेरे को यहाँ पे इग्नोर कर दिया है, मैंने अभी तक उसके चेहरे पे एक भी इमोशन फील नहीं किए, जो कि एक सुंदर लड़की को देखने के बाद एक लड़के के चेहरे पे आते हैं। ये लड़के ने मेरे को यहाँ पे इग्नोर कर दिया और ऊपर से मुझे लगता है कि ये जो लड़का है ये बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग है। पता नहीं लिनफेंग यहाँ पे एक बात करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पे मैरी कैसे कर सकता हूँ, जबकि जो लड़की होती है बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मैरी थोड़ी देर पहले ये लड़के यहाँ पे ये सोच रहा था कि ये लड़का बिल्कुल मेरे को इग्नोर कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़का मेरे को इग्नोर कर रहा हो, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, और यहाँ पे आके चुपचाप से बैठ के व्यू देख रहा है। अब जरा देखो अचानक से क्या हुआ, इस लड़के को यहाँ पे मेरे से शादी करनी है, आखिर ये बंदा है क्या है और ये करना क्या चाहता है? और ऊपर से उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि मैं यहाँ पे तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, बोला ऐसे कोई पूछता भी है क्या? तो लड़की मुस्कुरा देती है, उसे यहाँ पे ये लगता है कि लिनफेंग सिर्फ उसकी ब्यूटी के लिए आया है, वो बाकी लड़कों की तरह ही है, तो वो भी फिर हंसने लगती है और फिर सब अपने एरोगेंस को शो करने लगती है और कहती है कि नहीं तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है, तुम मेरे को कभी मेरे से शादी नहीं कर सकते, अगर तुम्हें मेरे से शादी करनी है तो तुम्हें जो मेरी स्ट्रेंथ को मेरे से सरपास करने होगा, यानी कि मेरे को स्ट्रेंथ के मामले में हराना पड़ेगा। क्योंकि वो लड़की कहती है कि हाँ तुम्हें इतना ही करना है। हमारा जो लिनफेंग होता है वो कह रहा होता है उस लड़की से कि हाँ ये वाकई बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं ये सारी चीजें तो कर लूंगा। वो लड़की कहती है एक सेकंड तुमने क्या कहा, ये सिंपल है? फिर वो लड़की मन में सोचती है और कहती है ये इस कमीने को क्या लगता है, ये यहाँ पे सोच रहा है मेरे से ये इजिली शादी कर लेगा और मेरे से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकता है, इसकी कल्टिवेशन देखी नहीं क्या, ये बहुत ज्यादा पीछे है, मेरी कल्टिवेशन से तो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे बात कर रही है कि मेरे को यहाँ पे पालेगा यानी कि मेरे से शादी कर लेगा। ऊपर से इस लड़के ने यहाँ पे आके मेरे अटेंशन को ग्रैब किया है। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं 18 की हूँ, अगर तुम यहाँ पे ज्यादा मेरे से ज्यादा मतलब बड़े हुए 2 साल बड़े हुए तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, ये भी एक वो है यानी कि एक रूल है, तो आप बताओ क्या ये सिंपल है, क्या ये बात सिंपल है, क्या तुम अभी मेरे से मैरी करना चाहोगे? जबकि लिनफेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। लिनफेंग मन में सोच रहा था कि यहाँ पे जो हांगफू है वो यहाँ पे 8 लेवल की पीक पे, यानी 8 लेवल की पीक पे, अगर वो थोड़ा सा और 9th लेवल में भी एंटर कर जाएगा तो हो सकता है वो टियानचिज़ू को हरा सके, यानी इस लड़की को, मुझे उस पर यकीन है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेगा तो वो एक दिन जरूर हरा देगा और शायद टियानचिज़ू से वो शादी कर लेगा। लिनफेंग यहाँ पे हांगफू के बारे में सोच रहा होता है, इस वजह से वो यहाँ पे टियानचिज़ू को इग्नोर कर रहा होता है। टियानचिज़ू मन में कह रही होती है ये कमीने की हिम्मत तो देखो, ये यहाँ पे अचानक से आ गए यहाँ पे बैठ गए और यहाँ पे नजारे देख रहा है और मेरे से भी ठीक से बात नहीं कर रहा, ऊपर से इतनी तरह सिंपली बात कर रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे इसको मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जो टियानचिज़ू होती है वो कहती है कि चलो बताओ अब तुम्हारे यहाँ पे क्या है, क्या तुम वाकई मेरे यहाँ पे अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आए थे, यानी मेरा अटेंशन पाने के लिए? लिनफेंग साफ साफ बता देता है कि वो तो अपने दोस्त के ब्याह पे आया है, ना कि यहाँ पे खुद से आया है, और वो तो यहाँ पे टियानचिज़ू को लाइक भी नहीं करता। लिनफेंग मैंकिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की पसंद है, वो है मैंकिंग, और फिर वो अपनी मैंकिंग के साथ ही मतलब बातें कर रहा होता है। जबकि यहाँ पे जो वो होती है टियानचिज़ू, वो यहाँ पे सब कुछ समझ जाती है और कहती है कि इसकी बातों से लग रहा है, इसकी बातों से यकीन हो रहा है कि इसको मेरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जैसे ये बात करे जस्ट वे में ये बात कर रहा है, इसके अंदर के दिल से पता चल रहा है कि इसको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर यहाँ पे आया क्यों था? और फिर वो लिनफेंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी जो वो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हें मिस्टिक राम में जाने के लिए तुम्हें ट्रायल
टेस्ट को पास करना होगा। जब तुम उसे करोगे तभी जाके तुम मिस्टिक राम के अंदर एंटर कर पाओगे। और मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम मेरे टेस्ट को यहाँ पे पास कैसे करते हो। कैंची वहां से चली जाती है और कहती है कि देखते हैं कि आखिर तुम्हें कौन सी चीज जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एरोगेंट बनाती है। बंदा कहता है कि उस लड़के ने पता नहीं क्या बोला, कैंची वहां से चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में थी। जैसे कि मास्टर ने कहा था कि 3 दिनों के बाद वो वापस आएंगे। 3 दिन गुजर जाते हैं और लिनफेंग वहीं पे खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है कि जो 3 दिन थे वो यहाँ पे गुजर चुके हैं। लगता है जैसे चीजें शुरू होने वाली है, अब यहाँ पे एक नई शुरुआत होने वाली है। टेंगी बताती है कि लिनफेंग यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग लोग जो कि आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे टेस्ट का जो वो है वो चालू होने वाला है। जो मास्टर ने कहा था, उस ओल्ड शख्स ने कहा था कि 3 दिन बाद सभी स्ट्रॉन्ग लोगों को वहीं पे आना है जो भी इस बैटल में हिस्सा ले रहे हैं, बोल सकते हो चैलेंज या ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं। वही बंदा वहाँ पे आता है और कहता है कि स्काई पॉइंट एम्पायर में इतने सारे लोग का यहाँ पे आना और पूरे इस ट्रायल में हिस्सा लेना मेरे को बहुत ज्यादा खुश करता है और मैं दुआ करूंगा कि तुम सभी लोग यहाँ पे पास हो। और एक स्काई पॉइंट के मेंबर के तौर पे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इतने सारे स्ट्रांग लोगों को देख के जो कि यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन के साथ इस टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तो सच में मेंबर के तौर पे मेरे को बहुत ज्यादा प्राउड है। वो बाकी चीज जो होते हैं वो उनको एक बोल सकते हो सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि तुम लोग ऐसे एक तरह से शपथ लो कि तुम्हें यहाँ पे अपने एम्पायर के लिए बहुत सारी चीजें करनी है, यानी अपने एम्पायर को राइज करने के लिए जो तुम्हें करना पड़े वो तुम्हें करना चाहिए, यानी कि बहुत सारे टूर्नामेंट में हिस्सा लो, अपने एम्पायर को टॉप नंबर और पोजीशन पे लाओ, यानी स्काई पॉइंट एम्पायर के, क्योंकि तुम एक स्काई पॉइंट एम्पायर के मेंबर की तरह हो तो तुम्हें यहाँ पे स्काई पॉइंट एम्पायर के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। ऐसे करके वो सबसे शपथ दिलवा देते हैं और दिखाते हैं। फिर उसके बाद वो कह रहे होते हैं कि देखो ये जो ऑपरेशन करके कह रहे होते हैं ये जो चीज है ये तुम्हें जब हिस्सा तुम इसमें ले रहे हो तो तुम सीक्रेट रैम में अंदर जा सकते हो। सीक्रेट रैम एक ऐसी जगह है जो कि एक ऐसा लैंड है जहाँ पे तुम्हें ट्रेजर ही ट्रेजर भर के मिलेंगे। जो तुम्हें ट्रेजर मिलता है वो तुम्हारा होगा। वहाँ पे टोटल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी जिससे तुम यहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। पर एक बात तुम सभी को याद रखनी है कि अगर तुम्हें यहाँ पे पावर मिलती है तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते हो, तुम्हारी मुसीबतें भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा तुम स्ट्रॉन्गर बनोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी मुश्किलें बढ़ेगी। ये मत एक्सपेक्ट करना कि तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बनने से तुम्हारे पास सब कुछ होगा। और जब तुम इस ट्रायल में हिस्सा लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा लकी डिसाइड करेगा कि तुम जिंदा रहते हो या फिर मरते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे मरने के चांसेस ज्यादा है और जीने के चांसेस बहुत कम। क्योंकि एक बंदा कह रहा होता है कि क्या वाकई में सीनियर क्या ऐसा ही है, क्या अगर यहाँ पे हमें बढ़िया जितने अच्छे ट्रेजर मिलेंगे उतना ज्यादा हमें खतरों का सामना करना पड़ेगा, ये तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है। जो सीनियर होते हैं वो सभी को बता रहे होते हैं कि बहुत सारे एम्पायर्स है और कुछ एम्पायर्स है यहाँ पे बहुत सी फोर्सेस जा रही है इसी सीक्रेट राम में अंदर। फिर वो यहाँ पे बहुत से फोर्सेस का नाम लेते हैं जो कि मैं नहीं लेने वाला, वो तो सीक्रेट राम में अंदर जाने के बाद आप सभी लोग देख लोगे कि कितनी फोर्सेज आती है और यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। सीनियर सभी को बता रहे होते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं जो कि उसी सीक्रेट राम में अंदर जाएंगे और वहाँ पे जितने भी ट्रेजर होंगे वो वहाँ पे छीनेंगे। अगर तुम लोगों को वो ट्रेजर मिलते तो हो सकता है वो लोग तुमसे भी झगड़े और तुम्हें मार के वो ट्रेजर छीन ले, तो वहाँ पे हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हें संभल के सब कुछ ठीक से करना होगा। तो जो पूरे एम्पायर की फोर्सेज यहाँ पे उस सीक्रेट राम के अंदर जा रही है तो वहाँ का माहौल तुम इमेजिन कर सकते हो कि अगर तुम्हें वहाँ पे एक ट्रेजर मिलता है पर अगर तुम्हारे सामने कोई स्ट्रांग बंदा है जो कि उसी फोर्स से रिलेटेड है, अगर वो बंदे की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी तो वो तुम्हें मार के वो तुम्हारे पास वो ट्रेजर को यहाँ पे छीन लेगा, तो तुम इमेजिन कर लो कि वहाँ का जो सीन है वो कितना ज्यादा भयानक होने वाला है। जबकि एक बंदा कह रहा होता है उसी ग्रुप में से कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये तो हमको मिल गई है जिससे हम अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, पर ये अपॉर्चुनिटी उतनी ही ज्यादा खतरनाक और डेंजर है। अगर यहाँ पे हमें कोई अच्छा ट्रेजर मिलता है तो वो जो चीजें हैं यानी एक अच्छा ट्रेजर हमें मिलता है तो वो फोर्सेस भी हमसे छीन लेगी। अगर वो जो एम्पायर फोर्स है वो उसी मतलब सीक्रेट राम में अंदर जाती है तो वो हमें मार के वो छीन लेगी, ये तो बहुत ज्यादा मुसीबत की बात है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ये बिल एंजल लाइक अगर आपको पसंद आता है मिलती है। गुड बाय बाय।